चाहे वो यहाँ बैठे हैं, चाहे किसी सिटी के अंदर बैठे हैं, चाहे विदेश के अंदर बैठे हैं, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी संभाली और अपना जो जो यहाँ नहीं पहुँच पाया उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। आज हम बोल सकते हैं कि बीजेपी की आईटी सेल को हमने पीछे धकेल दिया है। जो सही चीज़ें होती हैं आंदोलन की, जो सच्ची तस्वीर है, वो नीचे तक जा रही है। जब ये गाँव में आएंगे वापस वोट मांगे, जब वोट मांगने का टाइम आएगा तब इनको वोट की चोट भी मारेंगे और गांव में भी घुसने देंगे। हरियाणा के अंदर स्कूल हैं, 2-3 हज़ार स्कूल बिल्कुल सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, डिजिटल बोल रहे हैं अपने आप। विजन पंजाब टीवी से एक बार फिर तुसी जुड़ चुके हो, मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कौड़ा टिकरी बॉर्डर के उत्ते इस वेले मौजूद हाँ। तो पिछे तुसी देख सकते हो नज़ारा भी, यह पक्का घर बनाया जा रहा है, सीमेंट इटा लिया पैं जी तैयारी है वो होनी शुरू होगी। कहिंदे अद्धा क बन गया, कल ही शुरू किया तो अद्धा क कहिंदे अज बन जाना, पूरा हो जाना है। तो जी उपर छत पाउणी कहिंदे लेंटर पावांगे, तो इहो नहीं कच्चा काम नहीं करना, कहिंदे हुण असीं पक्का ही काम करांगे। तो गलबात भी करदे, तो इत्थे तुहानूं दिखाउंदे भी आ, काम कर देख सकते हो तुसी शुरू हो रखे है, तो अंदर तक तुहानूं दिखाउंदे आ भी अद्धा क कहिंदे बना लिया सी तो पूरा शाम तक हो जाना है। गलबात कर लें। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। कितों आए हो? मैं इशार से हूँ, चानोद से, और मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और पहले दिन से इस आंदोलन में यहाँ बैठे हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर, सोशल मीडिया और मीडिया कोऑर्डिनेट करता हूँ टिकरी बॉर्डर का। अच्छा जी, तो कैसे सोचा कि अब पक्का ही मकान बना लिया जाए यहाँ पे? ये हमारा संगठन है किसान सोशल आर्मी, जो पूरा सोशल मीडिया देखता है यहाँ टिकरी बॉर्डर का, और किसानों क्योंकि आईटी सेल नहीं थी किसानों की, तो हमने आईटी सेल बन के यहाँ काम किया है। और आज हमें पक्का ठिकाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोदी सरकार की मंशा नहीं है अभी बिल वापस लेने की, कानून वापस लेने की, इसलिए हम पक्का ठिकाना बना रहे हैं ताकि गर्मी भी आ रही है आगे, बारिश भी हो रही है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पूरी टीम को, इसलिए हम पक्का ठिकाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब कौन यहाँ पर बैठेंगे? आपके परिवार वाले बैठेंगे, आप सब दोस्त बैठोगे, या फिर यहाँ पर सोशल मीडिया का काम यहाँ से चला? ये किसान हमारा पूरा परिवार है, यहाँ कोई भी आ सकता है, लेकिन जो टीम बनाई हुई है हमने जो स्पेशल आईटी सेल के रूप में काम करती है वो साथी यहाँ बैठेंगे। बाकी दिन में आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आते हैं, पूरा पंजाब हरियाणा तो पूरा देश भाईचारा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है सबके लिए, ये कोई एक गांव का ठिकाना नहीं है, किसी एक प्रदेश का ठिकाना नहीं है, ये पूरे देश का ठिकाना है जी। तो क्या लगता है आपको कि सरकार नहीं मानने वाली अभी तक, इसीलिए आप तैयारियाँ पूरे ज़ोरों से कर रहे हो पहले से, क्योंकि लगता है कि लंबा चलेगा संघर्ष? हाँ बिल्कुल सर, हमारी 11 दौर की वार्ता चली सरकार के साथ, लेकिन एक बार भी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम कानूनों को वापस लेंगे। स्टार्टिंग में तो वो लोग इसलिए भी तैयार नहीं थे कि इस पर कोई संशोधन भी करेंगे, कम से कम वो लोग अमेंडमेंट के लिए तैयार हुए, उनको ये तो लगा कि कानून में कुछ ना कुछ तो गलत है, अमेंडमेंट हमें चाहिए नहीं। हम तो पहले दिन से एक संकल्प लेके आए थे घर से कि हमें काले कानून वापस करवाने और MSP के ऊपर ठोस कानून बनवाना है। आज भी हमारा संकल्प वही दृढ़ है, आज भी हमारे हौसले उतने मजबूत हैं। हमारे 250 से 300 के करीब किसान साथी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन हौसलों में हमारी कोई कमी नहीं आई है। सर्दी हमारी पूरी निकल गई, बीच में बारिश आई, उसके बाद फिर अब गर्मी का दौर आ गया है, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, किसान उसी हौसले से डटा रहा है। और रोटेशन की हमारी अब गांव में प्रणाली स्टार्ट हो गई है, जो भी साथी जिसकी फसल आ रही है वो गांव के लोग उसके मिलकर फसल निकाल रहे हैं, और जो जिस साथी के सब पास टाइम है वो यहाँ बैठा है आराम से। रोटेशन के तहत हम पूरा रोटेट कर रहे हैं, किसी भी साथी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। गाँव में हमने ड्यूटियाँ लगा रखी, किसी गाँव जो बड़ा गाँव है वहाँ 50 लोग रोटेट करेंगे, जो छोटा गाँव वहाँ 20 आदमी रोटेट करेंगे। इस तरह से किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और आराम से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी का 1 वीक का रोटेशन है, किसी का 10 दिन का रोटेशन है, और हम लोग बैठे ही हैं परमानेंट। हम तो जब जीतेंगे तभी वापस जाएंगे। हमारी जो पूरी टीम है, आज हमारे को 107 दिन हो गए हैं, हम घर नहीं गए और घर भी जीत के जाएंगे। बिल्कुल, घर के अंदर जीत के जावांगे। और सरकार के रवैयों को कैसे देखते हो, क्योंकि इस वक्त भी सरकार की तरफ से यही बयान आते हैं कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, हम अमेंडमेंट कर देते हैं कानूनों में, लेकिन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, सरकार की तो स्टार्टिंग से मंशा किसानों को दबाने की रही है। 2 महीने आंदोलन लगातार पंजाब में चला, उसके बाद जब ये लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो इनको बैरिकेड से रोका गया, इनके ऊपर पानी की बौछारें की गई। अब उनको ये लगा कि ये लोग तो दिल्ली के बॉर्डर पे जम गए हैं, तब उनको खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या क्या बोला गया। अब जब हमारे को यहाँ 3 महीने से ऊपर हो गया बैठे हुए, सरकार को भी पता लग गया है कि ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं, और सरकार हम तो 2024 तक का इंतजार करेंगे, अगली जब वोटिंग होगी लोकसभा चुनाव की तब तक हम इंतजार करेंगे, नई सरकार से हम बनवा लेंगे कानून, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमारी नस्लें और फसलें बचाने की लड़ाई है। अगर हम यहाँ से पीछे हट गए, मरना तो हमारे गांव में भी है, इससे अच्छा है कम से कम लड़ाई करते हुए मरे हम। बिल्कुल,
बिल्कुल, तो अभी यहाँ पे आपने तैयारी कर रखी है, जो अगर बीजेपी के आईटी सेल की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बीजेपी का आईटी सेल, और यहाँ पे अगर किसान आगुओं की बात करें तो उनका आईटी सेल आप संभाल रहे हो, तो कहाँ तक लगता है टक्कर दे पा रहे हो? बिल्कुल टक्कर दे पा रहे हैं, जितना प्रोपगेंडा उन्होंने हमारे पूरे एजिटेशन को डिरेल करने का किया है, लगातार उनके प्रोपगेंडा को इनकाउंटर कर रहे हैं। और आज हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो मैसेज होते हैं लीडरशिप का, जितना मैसेज है, पहले 11 दौर की वार्ता चली जिसमें जो भी मैसेज निकल के आता था वो हम नीचे तक भेज रहे थे, चाहे वो भारत बंद का मैसेज था, टोल टैक्स फ्री कराने का मैसेज था, रेल रोकने का मैसेज था, वो सब नीचे तक जा रहे थे। हमारे वहाँ पे लोग अब गोदी मीडिया नहीं देखते हैं, गोदी मीडिया ने मिलके और सरकार ने मिलके साजी सची लगातार किसानों के इस आंदोलन को डिरेल करने की, ख़राब करने की, लेकिन किसानों के बेटे जो पढ़े लिखे थे उन्होंने बहुत साथ दिया, चाहे वो यहाँ बैठे हैं, चाहे किसी सिटी के अंदर बैठे हैं, चाहे विदेश के अंदर बैठे हैं, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी संभाली और अपना जो यहाँ नहीं पहुँच पाए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। आज हम बोल सकते हैं कि बीजेपी की आई टी सेल को हमने पीछे धकेल दिया है, जो सही चीज़ें होती हैं आंदोलन की, जो सच्ची तस्वीर है वो नीचे तक जा रही है। बिल्कुल, अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर जो बेभरोसगी मता होता है, जो अविश्वसनीय मता होता है, वो पास किया गया था, लेकिन उसमें जो 55 वोट्स है वो बीजेपी की तरफ जाते हैं और जो 32 वोट्स है सिर्फ किसानों की तरफ आते हैं, तो इनको कैसे देखते हो? देखिए, कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के बहाने लोगों की पहचान हो गई, जो ये बोलते थे कि हम तो आपके साथ हैं, किसानों के साथ हैं, जो दो मुँह सांप होते हैं ना, उनकी पहचान हो गई हमारे को। गाँव में आना वोट लेने के लिए कहाँ जाएंगे? अब जब वोट लेने का वक्त आएगा हम तब तक इंतज़ार करेंगे, उससे पहले भी हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम, किसी भी शादी के प्रोग्राम में कोई भी इवेंट इनको नहीं करने देंगे। जब ये गांव में आएंगे वापस वोट मांगे, जब वोट मांगने का टाइम आएगा तब इनको वोट की चोट भी मारेंगे और गाँव में भी घुसने देंगे, किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं होने देंगे बीजेपी के। और जो जननायक जनता पार्टी, जिन्होंने आज किसानों की पीठ के ऊपर छुरा घोंपना काम किया, जो किसानों के दम पर 10 सीटें निकाली थी, और जो निर्दलीय उम्मीदवार जो किसानों के नाम पर जो जीते थे, उन लोगों ने आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन समय आएगा किसानों का भी, हम ये आंदोलन भी जीत के जाएंगे, उन लोगों को ये भी बताएंगे कि आप लोगों की अब 7 पीढ़ी आने वाली भी चंडीगढ़ विधानसभा का मुँह नहीं देख पाएंगे। उम्मीद थी कि जो वोट्स हैं वो किसानों की तरफ नहीं आएंगी बल्कि भाजपा की तरफ जाएंगी, या फिर उम्मीद ये हो रही थी कि हाँ किसानों की हाँ में हाँ का नारा मारेंगे जो विधायक है जिनको बोला जा रहा है, या फिर सिर्फ एक आपने भी चेक ही करना था कि जो बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे साथ हैं, वो हैं असल में या नहीं है? हाँ बिल्कुल, इनकी डोल की पोल खुल गई है। ये लोग हमारे जब हम घेराव करने के लिए जाते थे इनके घरों पे, तो ये बोलते थे हम तो किसानों के साथ हैं, हम तो जब किसान बोलेंगे इस्तीफा दे देंगे। अब वो लोग कल खड़े थे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़े थे, चलो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई, हमें कोई मतलब नहीं कोई पार्टी क्या लेके आ रही है, उनका हक भी बनता है इस टाइम, और इस बहाने हमें पहचान हो गई उन लोगों की। और धीरे धीरे अब जैसे ही वक्त आएगा हम बताएंगे उनको कि आप लोगों की औकात नहीं है वोट मांगने की, आप लोग किसानों के साथ नहीं थे, आप अन्नदाता के साथ नहीं थे, हमारे वोट लेके आप विधानसभा में पहुँचे हैं, हमारे वोट लेके आप इतने सत्ता में पहुँचे हैं, और आज आप लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो, आज हमारे साथ साथ खड़ा होने का वक्त है लेकिन आज हमारे साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम इतने साथियों खोने के बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी भ्रम में ना रहे सरकार, ये हम जीत के जाएंगे, शहादत कितनी भी हो जाए हमारे लिए मैटर नहीं करता, समय कितना भी लग जाए कोई मैटर नहीं करता, इरादे हमारे अटल हैं, मजबूत हैं और 100% जीत के जाएंगे। बिल्कुल जी, इरादे के अंदर अटल है, मजबूत है, आपसे भी जान लेते हैं आप कहाँ से आए हैं? मैं भिवानी से आया हूँ। भिवानी से, तो अभी पक्के मकान बनने शुरू हो गए, कहते पक्के डेरे लगाने शुरू कर लिए, कैसे देखते हो? बिल्कुल जी, पीछे 2 दिन पहले बरसात भी आई तो हमारे डेरे बिल्कुल ख़राब हो गए थे, रहने के लिए नहीं था, खाना बनाने के हमारे को सिस्टम ही नहीं था, तो इसलिए मजबूरी में हम किसान यहाँ पर अपने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं और पीछे भी मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेगी जब तक तो क्लियर हम यहीं पर रहेंगे, चाहे 3-4 साल हमें यहाँ पर बैठना पड़े। लगता है कि सरकार जो कहती थी डिजिटल इंडिया, या सरकार जो कहती थी कि हम देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो वो देश अब पीछे कहीं ना कहीं रह गया, 100 साल पीछे लेकर आ गए, जैसे पहले बस्तियाँ बनती थी, जैसे पहले लोग रहते थे, अब वैसे रहने को मजबूर हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जब बीजेपी सरकार ढोंग के अलावा और कुछ नहीं करती, जब आपने शुरू से देखा होगा अभी 7 साल होगी 8 साल होगी बीजेपी सरकार ने आज तक क्या डिजिटल का नाम दिया इन्होंने और कुछ भी नहीं कहा। स्कूल देख लो हरियाणा के अंदर, स्कूल 2-3 हज़ार स्कूल बिल्कुल सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, जो डिजिटल बोल रहे हैं अपने आप को, जो जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है और कुछ भी नहीं इनके पास, अफवाह फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, इन्होंने मीडिया खरीद रखा है, आज हिंदुस्तान का मीडिया बिल्कुल बिक चुका है। कुछ लोग हमारे साथी मीडिया में छोटे न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल हैं, किसानों को पूरा समर्थन दिया है, इन लोगों की वजह से जन आंदोलन अभी तक खड़ा है। तो लगता है कि जो मोदी जी बोलते थे कि आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो, तो ये अब आत्मनिर्भर की असली तस्वीर है? हाँ बिल्कुल, आत्मनिर्भर तो हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे ऐसे हमारे मकान बनते रहेंगे, हम यहाँ पे डटते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है हमारी, अभी तो बहुत लंबा चलने, अभी तो 1 बनाए भी 1000 बनेंगे।
कहते हले एक बनाया है तो हले हजारों बनावे तो तुम इतने देख सकते हो। ये तस्वीर इतों की टिकरी बॉर्डर तो थोड़े साझी कर रहे हैं। मकान जड़े ने पक्के बनने शुरू हो गए इटा के नाल क्योंकि दो दिन पहला बरसात बहुत ज़्यादा हुई सी जिस करके नुकसान काफ़ी हो गया सगा तो उस करके कहें हूँ जोड़े मकान ने पक्के बनावे तो डटे रहेंगे क्योंकि सरकार हले जी हैगी हले अपनी गल मन की नज़र नहीं आ रही तो ना ही हले कि कानून जोड़े रद्द कर दी नज़र आ रही इन्हें तो भी जान लिया। कब तक बन जाएगा ये? कल तक तैयार हो जाएगा। कल तक तैयार हो जाएगा तो अभी कितना अभी काम रहता है, क्या क्या रह गया? अभी इसके ऊपर डालना है, लेंटर डालना है और भी काम है इसमें। कल फाइनल हो जाएगा। कल फाइनल हो जाएगा। कल कहते फाइनल हो जूगा, कल बन जूगा। सो काम कर जारी है, इस तरीके दे नाल कहते जारी रहना भी है क्योंकि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वापस असं जाना भी नहीं है। कैमरामैन डिंपी डोगरा के नाल मैं अनुकड़।